पंजाब में आम आदमी पार्टी फिर से विवाद में घिर गई है। पार्टी के स्टेट संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर एक स्टिंग में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता से 2 लाख रुपए लेते हुए दिखाया गया है। हालांकि ये स्टिंग अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। अब संभव है कि पार्टी के प्रदेश के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर को पार्टी से निकाल दिया जाए। छोटेपुर के इस स्टिंग वीडियो को विरोधियों ने केजरीवाल को दिखाया है, जिसके बाद उन्होंने छोटेपुर से मिलने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि बहुत जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपके जानकार सूत्रों का कहना है कि छोटेपुर के बयानों से पहले ही पार्टी के नेता खफा थे। सबसे पहले उन्होंने ही नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोला था। सिद्धू ने जब राज्यसभा से इस्तीफा दिया और यह तय माना जा रहा था कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे, उस समय सबसे पहले छोटेपुर ने कहा था कि सिद्धू के ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा है और उनको पार्टी टिकट नहीं दे सकती। पूरे मामले की जांच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आलाकमान कर रहा है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी मुख्यमंत्री आवास पर पूरे मामले को लेकर एक बैठक करेगी, जिसमें सुच्चा सिंह को हटाने का फैसला लिया जा सकता है। कश्मीर में चल रही हिंसा में बड़े स्तर पर लोगों के चोटिल होने के कारण बनी पैलेट गनों का इस्तेमाल जल्द ही बंद किया जा सकता है। पैलेट गन की जगह अब मिर्च से भरी पावा शेल्स विकल्प के रूप में अपनाई जा सकती है। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अगले कुछ दिन में पैलेट गनों का कोई विकल्प दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंचने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के तहत 1 महीने के अंदर दूसरी बार राज्य के दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के दायरे में जम्मू कश्मीर में सामने आने वाली समस्याओं पर किसी से भी बात करने को तैयार है। बताया जा रहा है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने टेस्ट के बाद इसे हरी झंडी दिखा दी है। पावा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें मिर्च पाउडर के गुण होते हैं। इसके असर से कुछ देर के लिए शरीर सुन्न हो जाता है। शीना बोडा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी के 1 साल के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस हाई प्रोफेशनल मर्डर केस में फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसने सबको चौंका दिया है। इस रिकॉर्डिंग में पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल की भी आवाज है। दर्ज बातचीत इस बात की ओर संकेत कर रही है कि बेटी की हत्या के बाद इंद्राणी मुखर्जी और पीटर ने जानकारी छिपाने की कोशिश की थी। रिकॉर्डिंग में पीटर, इंद्राणी और राहुल के बीच फोन से हुई बातचीत के अंश है। इसमें बताया जा रहा है कि इंद्राणी और पीटर ने शीना के मर्डर के बाद जानकारी को छुपाकर राहुल को गुमराह करने की कोशिश की। सीबीआई ने फोन से बातचीत में 20 में से 7 नमूनों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया है। मामले को लेकर सीबीआई ने कहा कि शीना बोडा मर्डर केस को लेकर कुछ चैनलों पर चलाए गए सभी टेप्स पर जांच के दौरान नजर रखी गई है। ये पीटर मुखर्जी और इनके खिलाफ सबूत का अभिन्न हिस्सा है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं शीना बोरा के भाई मिखाइल बोरा ने कहा है कि फोन टेप्स महत्वपूर्ण है। उन्हें उम्मीद है कि ये सीबीआई की मदद करेगी और जल्द न्याय मिलेगा। सीमाओं के पास भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती के फैसले पर चीन तिलमिला उठा है। चीन ने कहा है कि भारत को सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता को कायम रखने के लिए दोनों देशों के बीच बनी आमराय के उलट कुछ नहीं करना चाहिए। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू छियान ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत चीन सीमा पर शांति एवं स्थिरता कायम रखने के लिए दोनों देशों में एक अहम आमराय बनी है। वू ने कहा कि हम आशा करते हैं कि भारत सीमावर्ती क्षेत्र में विरोधाभास के बजाय शांति एवं स्थिरता के लिए और अधिक काम कर सकता है। वू की टिप्पणी खबरों के बाद आई है, जिनमें कहा गया है कि भारत सरकार ने अतिरिक्त ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती को मंजूरी दी है, जिन्हें पूर्वी क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा ताकि चीन से लगी सीमा पर इसकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। दक्षिणी बेल्जियम के चिमय शहर में गुरुवार सुबह एक स्पोर्ट्स सेंटर में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक घायलों में से 2 की हालत बेहद गंभीर है। बेल्जियम के आपदा केंद्र ने इसके फिलहाल किसी तरह के कट्टरपंथी आतंकी हमले होने से इनकार कर दिया है। बेल्जियम मीडिया के मुताबिक ब्लास्ट गैस रिसाव के कारण हुआ था। आपदा केंद्र के एक अधिकारी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि यह विस्फोट गैस के रिसाव के कारण हुआ है। हालांकि जांच पूरी हो जाने के बाद ही पूरी घटना के बारे में कुछ कहा जा सकेगा। स्थानीय मीडिया के अनुसार विस्फोट भारतीय समयानुसार रात 3:30 बजे चिमय में ली चलोन नामक स्पोर्ट्स सेंटर में हुआ। विस्फोट के कारण स्पोर्ट्स सेंटर की इमारत का एक हिस्सा नष्ट हो गया। गौरतलब है कि पेरिस और ब्रुसेल्स में आतंकवादी हमलों के बाद पूरे यूरोप में हाई अलर्ट घोषित है। अफगानिस्तान के काबुल में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान पर आतंकवादी हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। काबुल पुलिस के प्रवक्ता बसीर मुजाहिद ने गुरुवार को बताया कि विश्वविद्यालय पर हुए हमले में मृतकों में 7 छात्र, 3 पुलिसकर्मी और 2 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।
विश्वविद्यालय का परिसर शुरू हुए इस हमले के दौरान गोलीबारी और विस्फोटों से दहल गया। हमले की अभी तक किसी गुट ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये हमला एक ऐसे समय में हुआ जब तालिबानी उग्रवादियों ने पश्चिमी देशों से समर्थित काबुल सरकार के खिलाफ अपने हमलों को तेज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रात भर चले इस अभियान में सैकड़ों छात्रों को बचाया गया। इनमें से कई छात्रों ने मदद के लिए ट्विटर पर हताशा भरे संदेश भी लिखे थे। वहीं कई छात्रों ने बचाव के लिए कक्षा के दरवाजों पर फर्नीचर लगा दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपने बयान में हमले की कड़ी निंदा की है। प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालय की यहां 2006 में स्थापना की गई थी। वर्तमान में यहां करीब 1700 से अधिक छात्र हैं। ये उग्रवादियों के लिए हाई प्रोफाइल लक्ष्य माना जाता है क्योंकि यहां विदेशी शिक्षक आते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते रिश्ते पाकिस्तान की चिंता का सबब बन गए हैं। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि दोनों मुल्कों के बीच कोई भी सहयोग उनके देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान को भारतीय हथियारों की आपूर्ति संबंधी सवाल के जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा, ऐसा कोई सहयोग दोनों देशों के बीच ना हो जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। भारत ने अफगानिस्तान को 4 MI-25 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की है और अफगान बलों को प्रशिक्षण भी दे रही है। जकारिया की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जबकि कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा था कि भारत अफगानिस्तान में किसी सदम युद्ध में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत वहां पुनर्निर्माण का काम कर रहा है। करजई ने कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और उसकी जमीन से गतिविधियां चला रहे आतंकवादी समूहों को नियंत्रित नहीं करने पर पाकिस्तान की आलोचना की थी। रियो ओलंपिक में उपेक्षा का शिकार रही मैराथन रनर एथलीट ओपी जैशा के खून में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। बता दें कि जैशा को अपने ओलंपिक इवेंट के दौरान से ही बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत थी। जैशा को फिलहाल सावधानी बरतते हुए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक श्याम सुंदर ने कहा कि जैशा के खून के नमूने की जाँच की गई है और जाँच की रिपोर्ट में उनके H1N1 से पीड़ित होने का पता चला है। आपको बता दें कि ओलंपिक से लौटने वाली सुधा H1N1 से पीड़ित होने वाली पहली एथलीट थी। वो 20 अगस्त से अस्पताल में भर्ती है। गौरतलब है कि जैशा ने भारतीय अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने स्पर्धा के दौरान पानी तक नहीं दिया और यहां तक कि भारतीय डेस्क पर कोई अधिकारी भी हौसला अफजाई के लिए मौजूद नहीं था। ग्रेटर नोएडा में खेले जा रहे दिलीप ट्रॉफी मुकाबले में इंडिया रेड की टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जीत के लिए 497 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सुरेश रैना की कप्तानी वाली इंडिया ग्रीन का स्कोर तीसरे दिन के खेल समाप्त होने पर 7 विकेट के नुकसान पर 217 रन रहा और अब उन्हें कोई चमत्कार ही हार से बचा सकता है। कुलदीप यादव ने तीसरे दिन शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। पहली पारी में दोनों टीमें कम स्कोर पर आउट हो गई थी। इंडिया रेड के 161 रन के जवाब में इंडिया ग्रीन ने 151 रन बनाए थे, लेकिन दूसरी पारी में इंडिया रेड ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और 486 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। उनकी तरफ से अभिनव मुकुंद ने 169 और सुदीप चटर्जी ने 114 रनों की शानदार पारी खेली। इसके अलावा गुरकीरत मान ने 82 रन बनाए। इंडिया ग्रीन की तरफ से श्रेयस गोपाल ने 5 विकेट लिए। जीत के लिए 497 रनों का पीछा करने के लिए इंडिया ग्रीन को रॉबिन उथप्पा ने तेज शुरुआत की और 66 गेंदों में 72 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होने के बाद इंडिया ग्रीन की पारी लड़खड़ा गई और 9 रनों के अंदर 3 विकेट गिर गए। जलस सक्सेना ने 26 और पार्थिव पटेल ने 21 रन बनाए। रजत पालीवाल खाता खोले बिना ही आउट हो गए। सुरेश रैना अभी 42 रन बनाकर नाबाद हैं, लेकिन कुलदीप ने दूसरे छोर पर विकेट लेने का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने पहले 4 में से 3 विकेट लेने के बाद सौरभ तिवारी और संदीप शर्मा को चलता किया। स्टंप के समय सुरेश रैना के साथ अशोक डिंडा 10 रन बनाकर नाबाद थे। गोलमाल सीरीज की चौथी फिल्म के लिए ऐसी अटकलें थी कि दीपिका या फिर आलिया इस फिल्म की हीरोइन हो सकती हैं, लेकिन अब खबर है कि श्रद्धा कपूर इस फिल्म में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स की माने तो अब इस फिल्म में लीड एक्टर अजय देवगन के अपोजिट श्रद्धा कपूर नजर आ सकती हैं। बता दें कि गोलमाल 3 में ये रोल करीना कपूर खान ने निभाया था। खबरों की माने तो जब डायरेक्टर रोहित शेट्टी गोलमाल 4 की प्लानिंग कर रहे थे, तभी से उनका इरादा इस फिल्म में नई यंग ब्रिगेड की किसी एक्ट्रेस को लेने का था। अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़े एक बार फिर इस फिल्म की अगली सीरीज में आपको हंसाते नजर आएंगे। वहीं फिल्म की शूटिंग इस साल दिसंबर से शुरू होगी और ये फिल्म अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी।